अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे के किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है। मुंब्रा के खरड़ी रोड स्थित स्टार हॉल के नजदीक में आज सुबह भयानक आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास में ये भयानक आग लगी है, जिसमें 4 से 5 दुकानें पूरी तरह से जल गई हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जहां आग लगी है वो गैरेज की दुकान थी। इसके अलावा मुर्गी की दुकान और लकड़ी के बखार भंगार की दुकानें थी, जो आग में जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। सूचना पाकर मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची थी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। इस आग लगने की घटना में किसी तरह की जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, मगर लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। ये आग कैसे लगी अभी तक इसकी भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। प्रिंस तो कई भाई, कब पता चला आपको आग लगी? हम लोग सो रहे उधर, देखे लकड़ी टाइप उधर आग जल रही थी झोपड़े में, इधर झोपड़ा था एक, उधर झोपड़े में जल रही थी। फिर हम लोग उठे, जल्दी जल्दी शटर उठा, अपना उठा। करीब कितना वक्त आग लग के? थोड़ा ऊपर हो रहा था, मतलब आधा पौना घंटा हो गया, 40-45 मिनट पे। हाँ, मतलब 1 घंटे के करीब हो गया। हाँ, 1 घंटे करीब हो गया सर। ये फायर ब्रिगेड कब पहुँचा यहाँ? फायर ब्रिगेड तो करीब 1 घंटे बाद। करीब आधे घंटे बाद दो गाड़ी आई थी, उसके बाद सबसे लेट वाली मुंब्रा वाली गाड़ी है। अच्छा, मतलब अभी तक भी कंट्रोल नहीं हुआ आग? अभी तक नहीं। किसी का नुकसान तो नहीं हुआ ना कुछ, मतलब वो तो माल तो खराब ही हो गया, पूरा लकड़ी वगैरह जल गई, पीछे गैरेज वगैरह भी था, सब जल गया, पूरा जल गया। मुर्गियाँ वगैरह भी थी अंदर? हाँ, मुर्गी भी अंदर थी, उसमें झापे। अच्छा, कौन कौन सी दुकान थी भाई यहाँ पे? वाटर प्लांट था पीछे आपका, फिर एक गैरेज था, और उसके बाद मुर्गी की दुकान थी, उसके बाद गैरेज था, एक होटल था। हाँ, होटल था, और फिर पीछे लकड़ा था, लकड़ी वाला था। मतलब किसी को कोई जख्मी तो नहीं हुआ है ना? नहीं, कोई जख्मी नहीं। बाइक की दुकान थी? हाँ, बाइक की दुकान थी, गैरेज था। तो कोई गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हुई थी? बहुत गाड़ियाँ थी, 20 गाड़ियाँ थी अंदर। अच्छा, कस्टमर की बाइक है सर? अच्छा, कस्टमर की बाइक है सर? कस्टमर की बाइक, और आग भड़केगी अगर उन पर काबू नहीं पाया तो पेट्रोल वगैरह भी होगा ना उनमें? तो फिर पहले अपनी भयानक आग लगी थी, हम लोग दिमाग नहीं काम कर रहा था। 4:15 बजे, 4:45 बजे, जब हम लोग प्लांट से बाहर निकले ना, जार भर भर कर रखा तो डब्बे में, हम लोग फेंके, उसके बाद मोटर चालू करके पंप मारे उधर से, थोड़ा कंट्रोल में आया, फिर गाड़ी आई, फायर ब्रिगेड, उसके बाद सब थोड़ा कंट्रोल।